आत्माभिमानी बनने के लिए मैंने एक बहुत अच्छा अभ्यास किया था। बाबा कहता है शरीर तुम्हारी गाड़ी है और तुम आत्मा कौन हो? ड्राइवर। जैसे लौकिक में गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, रात को कहां लगाता है उसको? गैरेज में। और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए कहां जाता है? अपने घर में जाता है। इसी तरह शरीर पी गाड़ी को सारा दिन घुमा करके रात को कहां लगा दो उसको? गैरेज में अर्थात बेड पर लगा दो और सोने के लिए कहां जाओ? चांद सूरज तारंगन के पार बाबा के पास जाकर के सो करेंगे, सोलो कॉन्शियस बन जाएंगे। हम सब ड्राइवर हैं, सबकी गाड़ी है, किसी की अशोक लेड है, किसी की स्कूटी है छोटी मोटी, सब ड्राइवर है। तो इसलिए यह भी अभ्यास करेंगे, गाड़ी को रोज गैरेज में लगाना। जैसे ड्राइवर आजकल के मकान कैसे बनाते हैं, नीचे से पिलर उठाते हैं, गाड़ियां नीचे होते हैं और ड्राइवरों का घर ऊपर। इसी तरह यह सृष्टि भी है, तीन लोग गाड़ी रखने का स्थान पार्किंग और ड्राइवरों का रहने का ऊपर स्थान है। तो हमें अपनी गाड़ी को गैरेज में लगाना है, बेडशीट कंबल डालना है, गाड़ी को नमस्ते करो। क्यों? क्योंकि 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन ये गाड़ी भले काली है गोरी है कैसी भी है, लेकिन बुजुर्ग है, बहुत महत्व की गाड़ी है। इसलिए गाड़ी को नमस्ते करो और फरिश्ता ड्रेस पहनो, बेडशीट कंबल इसके ऊपर डाल दो और सोने के लिए कहां जाओ? अपने घर में जाओ। वो ड्राइवर जाता है, बेल बजाता है, मम्मी दरवाजा खोलती है, समाचार सुनाता है, फिर सो जाता है। इसी तरह हमें भी ऊपर जाकर के बाबा को समाचार सुनाना है और बाबा के पास सोना है। अमृत वाला अच्छी होगी, फिर नीचे आओ, सारा दिन याद रहेगा मैं ऊपर से आया हूं, मैं एक ड्राइवर हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा अलग शरीर अलग। ये गाड़ी का एग्जाम्पल के भी अभ्यास करेंगे, आत्मा अभिमानी बनेंगे।